Nurturing Excellence. गुड इवनिंग एवरीवन, अवेगस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो अपन अपने टॉपिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट करते हुए लास्ट टॉपिक अपना एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। उससे अपन से पहले अपने अपने जो टॉपिक पढ़े थे वो कौन कौन से थे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ा था। तो आज अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लास्ट टॉपिक है एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। अब एडोलेसेंस क्या होता है, प्यूबर्टी क्या होती है, इसकी कौन सी एज होती है, डिले एडोलेसेंस या डिले प्यूबर्टी क्या होती है, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी, ठीक है। पहला टॉपिक अपना एडोलेसेंस के बारे में पढ़ेंगे, एडोलेसेंस होता क्या है। एडोलेसेंस इज द ट्रांजिशनल स्टेज, एडोलेसेंस क्या है, ट्रांजिशनल स्टेज है, ठीक है। एडोलेसेंस क्या है, ट्रांजिशन स्टेज फ्रॉम चाइल्डहुड टू, जो क्या है, चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, देयर अकर बिटवीन एज 13 टू 19 ईयर ओल्ड। मतलब कि ये एक चाइल्डहुड से अपन को एडल्ट बनाने में क्या करती है, एक प्रकार की ये स्टेज है, जो कौन सी एज होती है, 13 टू 19। द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन एडोलेसेंस आफ्टर द स्टार्ट अर्लियर ड्यूरिंग द प्रीटेन और ट्वीन ईयर्स। मतलब कि ये एडोलेसेंस की जो जो प्रोसेस है उसमें फिजिकल साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जो स्टार्ट होते हैं, या तो आइए जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं या प्रीटीन में या ट्वीन ईयर्स। बिटवीन एज इसकी एज होती है 9 टू 12, जो ये चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं वो होती है 9 टू 12, ठीक है। मतलब कि ये जो छोटा बच्चा वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, फिर वो एडल्ट बनता जा रहा है, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है, ये एज होती है 15 टू 19, 12 टू 19, फिर ये क्या हो जाती है, ओल्ड एज। इसी एज को क्या बोला अपन ने, इसी एज को क्या बोला है, एडोलेसेंस। मतलब कि चाइल्डहुड की कहने का मीन है कि जो चाइल्डहुड की एज से एडल्ट की एज, मतलब चाइल्ड से एडल्ट की ओर जाना ही क्या कहलाता है, एडोलेसेंस। क्या कहलाता है, एडोलेसेंस कहलाता है, ठीक है। चाइल्ड से एडल्ट की ओर प्रोग्रेस करना ही क्या कहलाएगा, एडोलेसेंस कहलाएगा। नेक्स्ट, अब एडोलेसेंस की स्टेज कौन कौन सी होती है, ठीक है। व्हाट आर द स्टेज ऑफ एडोलेसेंस, एडोलेसेंस की स्टेज कौन कौन सी होती है। द स्टेज ऑफ एडोलेसेंस इंक्लूड अर्ली एडोलेसेंस होता है, तो अर्ली एडोलेसेंस का मतलब होता है कि जल्दी आना, मतलब कि एडल्ट जो एडल्ट में जो चेंजेस आते हैं वो इसमें जल्दी दिखने लग जाए, उसको क्या बोलेंगे, अर्ली एडोलेसेंस। मतलब कि इसकी एज कौन सी होती है अर्ली एडोलेसेंस की, 10 टू 14 ईयर। अर्ली एडोलेसेंस की एज होती है, अर्ली एडोलेसेंस की एज होती है 10 टू 14 ईयर, ठीक है। और मिड एडोलेसेंस में बीच का एडोलेसेंस होता है, उसकी एज होती है 15 टू 17। और जो लेट एडोलेसेंस मतलब किसी में देरी से आता है, 18 टू 24 ईयर। मतलब कि अर्ली एडोलेसेंस, मिड एडोलेसेंस और लेट एडोलेसेंस, ये एडोलेसेंस की तीन स्टेज है, थ्री स्टेज ऑफ एडोलेसेंस, अर्ली एडोलेसेंस, मिड एडोलेसेंस और लेट एडोलेसेंस, ठीक है। ईच स्टेज एनकंपासेस डिफरेंट चैलेंजेस, जो स्टेज होती है ये अलग अलग चैलेंजेस लेके आती है, टीज एंड नेसेसिटीज डिफरेंट रिस्पॉन्स फॉर फ्रॉम पेरेंट्स, और जो अपने पेरेंट्स होते हैं उनके लिए अलग रिस्पॉन्स देती है। कहने का मीन ये है कि इस जो एडोलेसेंस है, इस प्रोसेस में जो चाइल्ड होता है वो एडल्ट की ओर प्रोग्रेसिव करता है, मतलब कि एडल्ट एज की ओर क्या होता है, प्रोग्रेस करता है, जिसमें उसके बिहेवियर चेंज हो जाता है, फिजिकल एक्टिविटी चेंज हो जाती है, ठीक है। मतलब कि बेबी है, वो चाइल्ड है, वो धीरे धीरे एडोलेसेंस बन रहा है, फिर वो एडल्ट हो जाता है, फिर वो ओल्ड एज में चला जाता है, यही प्रोसेस क्या कहलाती है, एडोलेसेंस। What is the purpose of adolescence? Adolescence का क्या purpose है? Adolescence के क्या purpose है? मतलब adolescence क्या है? The purpose of adolescence is for child to, जो child होता है वो psychologically and socially transform into young adult। मतलब कि वो साइकिल, मतलब मेंटली रूप से, दिमागी रूप से भी और सोशल सामाजिक रूप से भी ट्रांसफर हो जाते हैं, किसमें, एडल्ट एज में। मतलब कि उसमें मेंटली प्रोग्रेस हो जाती है, वह बातों को समझने लग जाता है, ठीक है, और सामाजिक कार्यों में भी हेल्प करता है, मतलब समाज के अंदर रहने की उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। ब्रेकिंग फ्रॉम देयर चाइल्डहुड,
अटैचमेंट, और वो क्या करता है, जो भी चाइल्डहुड के अटैचमेंट होते हैं, जो भी अटैचमेंट होते हैं वो ब्रेक डाउन कर देता है, एंड सिक्योरिटी अलाउ, और सिक्योरिटी अलाउ चिल्ड्रन टू एक्वायर फ्रीडम, और क्या जाता है फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप, और उसमें क्या हो जाती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डेवलप हो जाती है। जब चाइल्ड से वो बच्चा एडोल्ट से एडल्ट की ओर बढ़ेगा, मतलब एडल्ट एज में जाएगा, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होगी, वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग जाएगा, ठीक है। और जो भी चाइल्डहुड के जो भी इमोशंस थे वो क्या कर देगा, फ्रीडम हो जाएगा, उनको ब्रेक डाउन कर देगा। इंडिपेंडेंस एंड डिफरेंशिएट देमसेल्फ फ्रॉम देयर पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स से डिफरेंट, एंड चाइल्डहुड टू एस्टेब्लिश देयर ओन यूनिक आइडेंटिटी, और चाइल्डहुड से वो अलग स्टेब्लिश करेगा अपनी यूनिक आइडेंटिटी को, क्या करेगा, अलग से स्टेब्लिश करेगा। लेकिन जो चाइल्डहुड की उसकी आइडेंटिटी थी, जो चाइल्डहुड था उसकी जो आइडेंटिटी थी वो अलग से डेवलप करेगा एडल्ट में आइडेंटिटी, अपनी यूनिक आइडेंटिटी क्या करेगा, डेवलप करेगा। नेक्स्ट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी इज द टाइम इन लाइफ व्हेन ए बॉय एंड गर्ल, मतलब जो बॉयज एंड गर्ल होते हैं उनमें एक लाइफ का एक पार्ट है, बिकम सेक्सुअली मैच्योर, वो क्या होते हैं, सेक्सुअली मैच्योर, फिजिकली मैच्योर नहीं, इसमें सेक्सुअली मैच्योर होते हैं, उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, ठीक है। इट इज ए प्रोसेस दैट यूजुअली हैपेंस बिटवीन एज, इसकी एज होती है 10 टू 14 ईयर, फ्रॉम गर्ल्स एज, गर्ल्स में होती है 12 टू 16 ईयर। ओनली प्यूबर्टी की एज पूछे तो क्या बतानी है, 10 टू 14 ईयर, लेकिन गर्ल्स में एज पूछ ले तो क्या बतानी है, 12 टू 16 ईयर फॉर बॉय, और बॉयज में कितनी होती है 12 टू 16 ईयर, गर्ल्स में कितनी होती है 10 टू 14 ईयर। इट कॉज फिजिकल चेंजेस, इसमें क्या होते हैं फिजिकल चेंजेस होते हैं, अफेक्ट जो अफेक्ट करते हैं बॉय एंड गर्ल्स दोनों को डिफ्रेंशिएट करने में। इन गर्ल्स, गर्ल्स में द फर्स्ट साइन प्यूबर्टी का, जो गर्ल्स होती है उनमें फर्स्ट साइन क्या आता है प्यूबर्टी का, ब्रिस्ट डेवलपमेंट, उनमें ब्रिस्ट डेवलप होने जाते हैं, फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी, क्वेश्चन पूछ ले आपको फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स, तो क्या बताओगे आप, इसका आंसर क्या बताओगे, इसका आंसर आएगा ब्रिस्ट डेवलपमेंट, क्या बताओगे, ब्रिस्ट डेवलपमेंट, ठीक है, क्या आंसर बताओगे, ब्रिस्ट डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा धीरे 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 जो चेंजेस आ रहे हैं, मतलब बॉडी बढ़ रही है, ये एज बॉयज में 10 टू 13, गर्ल्स में 9 टू 12, ठीक है, बताइए। नेक्स्ट प्यूबर्टी, इसी में प्यूबर्टी इज द टाइम इन योर चाइल्ड्स लाइफ व्हेन दे ट्रांजिशन फ्रॉम ए चाइल्ड टू एन एडल्ट, प्यूबर्टी एक इस प्रोसेस जो ट्रांजिशन करती है, बच्चों जो चाइल्ड होते हैं एडल्ट में ट्रांजिशन हो जाती है, मतलब एडल्ट एज आ जाती है, स्पेशल हार्मोन आर प्रोड्यूस, इसमें हार्मोन प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, एंड रिलीज दैट ट्राइगर द साइंस ऑफ प्यूबर्टी, ट्राइगर साइन क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। योर चाइल्ड विल गो थ्रू द फाइव स्टेज ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी पांच स्टेज से गुजरते हैं, बाय द एंड ऑफ द प्रोसेस दे विल रीच सेक्सुअल मैच्योरिटी, इन प्रोसेस से गुजरने वालों में क्या आ जाती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, ठीक है। प्यूबर्टी इज व्हेन योर चाइल्ड बॉडी बिगिंस टू डेवलप एंड चेंज एज द ट्रांजिशन इनटू एडल्टहुड, मतलब उनमें जो बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो डेवलप होते हैं, ट्रांजिशन होते हैं चाइल्डहुड से एडल्टहुड में। इट इज द टाइम इन योर चाइल्ड्स लाइफ व्हेन दे गो थ्रू द, क्या आते हैं उनमें फिजिकल चेंजेस आते हैं, क्या आते हैं फिजिकल चेंजेस टू रीच सेक्सुअल मैच्योरिटी, और सेक्सुअल मैच्योरिटी फिजिकल चेंजेस में क्या आता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड कैपेबल, और कैपेबल हो जाते हैं किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, क्या हो जाते हैं, कैपेबल हो जाते हैं। द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी फॉलो ए डिफाइंड पाथ विद ए प्रोग्रेशन ऑफ फिजिकल चेंजेस, और में क्या होते हैं फिजिकल चेंजेस प्रोग्रेसिवली चेंजेस होते रहते हैं। द इमोशनल इमोशनल चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी में नॉट प्रोग्रेस एट द सेम पेस एज द फिजिकल चेंज, मतलब जो प्रोग्रेस होती है वो सेम पेस में होती है फिजिकल चेंजेस में, ठीक है। नेक्स्ट, प्यूबर्टी क्या है, प्यूबर्टी में पढ़ते हैं, प्यूबर्टी स्टार्ट में पार्ट ऑफ योर चाइल्ड ब्रेन का पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं, कौन सा पार्ट, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस किसका पार्ट, अपने ब्रेन का, जो क्या प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स को, क्या करता है प्रोड्यूस करता है, इसी कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग
हार्मोन, कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, GnRH। तो ध्यान रखना हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो प्यूबर्टी की जो प्रोसेस होती है, स्टेज होती है, उसमें सीक्रेट करता है। द हाइपोथैलेमस सेड GnR टू अनदर पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉल्ड द हाइपोथैलेमस, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को ब्रेन के अनदर पार्ट में क्या करता है, भेजता है, उसको क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। किसमें भेजता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में भेजता है, ठीक है। GnR स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज, GnR स्टिमुलेट करता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। और वो क्या रखते हैं, दो हार्मोन्स क्या करते हैं सीक्रेट, पहला LH जिसका अपने पूरा नाम पढ़ा था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH का क्या नाम पढ़ा था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एक दूसरा था एपिसिल जिसका नाम पढ़ा था फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। दो हार्मोन कौन कौन से, LH हार्मोन और एपिसिल हार्मोन। दीज हार्मोन स्टिमुलेट टू द सेक्स ऑर्गन, ये हार्मोन प्रेवल करते सेक्स ऑर्गन कौन से थे, ऑयल और स्पर्म, मतलब ऑयल और टेस्टिस, ऑयल क्या करती है ओवम को सीक्रेट, टेस्टिस क्या करते हैं स्पर्म को सीक्रेट। ट्रिगरिंग देम टू बिगिन रिलीजिंग सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन कौन कौन से थे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो अपने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, सेक्स हार्मोन कौन कौन से थे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। दीज मैसेंजर हार्मोन कॉज द टेलटेल साइन ऑफ प्यूबर्टी टू बिगिन, ठीक है। बॉयज की प्यूबर्टी का बात है, बॉयज की प्यूबर्टी की एज होती है 9 टू 14 ईयर, नॉट एवरी ऑन द सब में सेम नहीं होती, किसी में 12 टू 14 लेकिन एवरेज एज बताई गई है 9 टू 14 ईयर, ठीक है। सम बॉयज बिगिन टू ई चेंज वेरी हार्डली, किसी में जल्दी साइन आ जाती है उसको क्या बोलते हैं, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। अगर किसी में प्यूबर्टी के साइन जल्दी आ जाते हैं उसको बोलेंगे प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, अगर किसी में देरी से आ रहे लेट साइन आ रहे हैं उसको बोलेंगे डिले प्यूबर्टी, डिले प्यूबर्टी, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। पहला पढ़ते हैं अर्ली प्यूबर्टी या प्रिकॉशियस प्यूबर्टी क्या होती है, फर्स्ट पढ़ते हैं अर्ली प्यूबर्टी या प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। इफ योर सन शो साइन ऑफ प्यूबर्टी बिफोर एज 9 ईयर की एज से पहले क्या करना, साइन डेवलप करना, वो क्या कहलाता है, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहलाता है। मतलब 9 ईयर की एज से पहले जो भी फिजिकल चेंजेस है वो शो करता है, जैसे दाढ़ी मूंछ आना, गर्ल्स में ब्रिज डेवलपमेंट, प्यूबिक हेयर आना, उनको शो करना ही क्या कहलाएगा, डेवलप होनी 9 ईयर की एज से पहले प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। अब पॉसिबल कॉज कौन कौन से अर्ली प्यूबर्टी के, द पिट्यूटरी ग्लैंड टर्निंग ऑन हार्मोन टू अर्ली, पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को, LH और एपिसिल हार्मोन क्या करेगी, जल्दी सीक्रेट कर देगी। हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड क्या रहेगी, जल्दी से एक्टिव हो जाएगी। द ट्यूमर ऑन द एड्रेनल ग्लैंड में क्या हो जाएगा, ट्यूमर जो एड्रेनल ग्लैंड होती है उसमें क्या हो जाएंगे, ट्यूमर, तो भी क्या होंगे, हार्मोन जल्दी से सीक्रेट होंगे और अपनी बॉडी में अर्ली चेंजेस आ जाएंगे, जिसको अपन ने क्या बोला, प्रिकॉशियस प्योरिटी बोला, ठीक है। नेक्स्ट डिले प्यूबर्टी किसको बोलते हैं, डिले प्यूबर्टी। इफ योर सन स्टार्ट प्यूबर्टी आफ्टर एज 14 ईयर के बाद में, जो 14 ईयर की एज के बाद में अगर शो कर रहा है प्यूबर्टी, मतलब कि जो चेंजेस शो कर रहा है 14 ईयर की एज में के बाद में कर रहा है, उसको बोलेंगे डिले प्यूबर्टी। गर्ल्स जनरली बिगिन प्यूबर्टी अबाउट 2 ईयर्स अर्लियर, गर्ल्स बॉयज से 2 साल पहले क्या करती है, प्यूबर्टी शो कर देती है, ठीक है, उनमें जल्दी प्यूबर्टी आती है। प्यूबर्टी फॉर गर्ल्स यूजुअली स्टार्ट बिटवीन द एज ऑफ 8 to 13 ईयर की एज में क्या होता है, प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए कौन प्यूबर्टी की प्रोसेस स्टेज में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, अब गर्ल्स में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, फिजिकल ग्रोथ होती है, मतलब उनकी बॉडी की ग्रोथ होती है, ग्रोइंग ब्रिस्ट बॉडी है, ब्रिस्ट ग्रोइंग ब्रिस्ट, ब्रिस्ट डेवलपमेंट होता है, क्या होता है, ब्रिस्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। बॉडी हेयर, बॉडी में हेयर आने लग जाते हैं, जैसे प्यूबिक हेयर, ठीक है, एक्जिलरी हेयर, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ये अपने कल पढ़ाई था। अदर वेजाइनल फ्लूइड मेंस्ट्रुएशन, स्किन चेंजेस आने लग जाते हैं, बॉडी इमेज में, बॉडी का जो पोस्चर होता है उसमें भी चेंजेस आने लग जाते हैं। और कौन से चेंजेस है, पिंपल्स आ जाते हैं, मूड चेंज होता है, हाइट बढ़ती है, पीरियड्स आते हैं,
और हेयर ग्रोथ होती है और एक्नी होते हैं, एक्नी ये चेहरे पे पिंपल्स हो जाती हैं, ठीक है। अब बॉयज में क्या क्या चेंजेस आते हैं, गर्ल्स में तो अपन ने पढ़ लिया, अब बॉयज में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। हाउ बॉडी चेंजेस ऑफ बॉयज, शुड गेट वाइडर, मसल गेट बिगर एंड स्ट्रॉन्ग, जो मसल्स होती है वो क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है और स्ट्रॉन्ग बनने लग जाती है। वॉइस स्टार्ट टू चेंज, वॉइस चेंज हो जाती है। अब बॉयज में वॉइस कैसी हो जाती है, एक चीज बता देता हूँ यहाँ, बॉयज में वॉइस चेंज कैसी हो जाती है, बॉयज की वॉइस हो जाती है कौन सी, हॉर्स लाइक, कौन सी हो जाती है, हॉर्स लाइक, ठीक है। क्यों, जो अपना वोकल कोड होता है, जो अपना वोकल कोड होता है वो क्या हो जाता है, बाहर की ओर निकल जाता है, मतलब मोटा हो जाता है, नुकीला हो जाता है, बाहर की ओर निकल जाता है, उसकी वजह से अपनी जो क्या वॉइस होती है वो कैसी हो जाती है, हॉर्स लाइक, जिसको अपन ने क्या बोला हॉर्स लाइक वॉइस को क्या बोला, क्वेश्चन पूछ लिया आपको हॉर्स लाइक वॉइस, उसको क्या बोला अपन ने, एडम्स एप्पल, क्या बोला, एडम्स एप्पल बोला, क्या बोला, एडम्स एप्पल। तो ये चीज लिख लेना, मैंने कहीं बताई नहीं है, याद के अलग से लिए बता रहा हूँ, आ सकती है ये हॉर्स लाइक वॉइस को क्या बोलेंगे अपन, एडम्स एप्पल। जो अपना लेरिंग्स होता है, जो अपना लेरिंग्स होता है वो क्या कर लेता है, ग्रोथ कर लेता है, देखा होगा बॉयज में जो लेरिंग्स होता है यहाँ पे वो आगे की ओर निकला रहता है मोटा मोटा, ठीक है, वो ग्रोथ कर लेता है, लेरिंग्स ग्रोथ कर लेता है, तो अपनी वॉइस कैसी हो जाती है, हॉर्स लाइक, मतलब बारीपन आ जाता है अपनी आवाज में, उसी को क्या बोला, एडम्स एप्पल बोला, ठीक है, ये चीज ध्यान। अब बॉयज में क्या क्या चेंजेस है, एक्नी आ रहे हैं, फेशियल हेयर, दाढ़ी मूंछ आ रहे हैं, वॉइस में चेंज, लेरिंग्स क्या कर लेगा, ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ करेगा तो क्या आएगा, वॉइस में चेंज, कौन सी वॉइस होगी, हॉर्स लाइक, ठीक है, उसको क्या बोला, लेरिंग्स का ग्रोथ होना या हॉर्स लाइक, वॉइस को क्या बोला, एडम्स एप्पल बोला मैंने, ठीक है, ध्यान रखना। जेनेटल ग्रोथ हो जाती है, मूड चेंज, कभी गुस्सा आता है, कभी खुश होता है, कभी उदास होता है, ठीक है, और ब्रीज ग्रोथ भी होते हैं थोड़े। अब आज की क्वेश्चन करते हैं, आज का अपना पहला क्वेश्चन है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन बोथ मेल एंड फीमेल्स, में कौन सा हार्मोन सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को बताता है, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन, ये तो मेल में होता है, इंसुलिन, ये तो डायबिटीज का क्या है, कॉज है, थायरोक्सिन, ये थायराइड की रिलेटेड होती है, तो मेन आंसर क्या आएगा, एस्ट्रोजन, द करेक्ट आंसर इज बी एस्ट्रोजन, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एप्रोक्सीमेटली एज रेंज एडोलेसेंट, एडोलेसेंट के एप्रोक्सीमेट एज क्या मानिए अपने, 13 टू 19 ईयर, द करेक्ट आंसर इज सी 13 टू 19 ईयर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन साइकोलॉजिकल चैलेंज फेस ऑफ एडोलेसेंट, एडोलेसेंस में कौन से, सॉरी, एडोलेसेंस में कौन से कॉमन साइकोलॉजिकल चेंजेस को फेस करना पड़ता है, मिड लाइफ क्राइसिस, एम्पटी नेस सिंड्रोम, आइडेंटिटी क्राइसिस या एम्पटी पॉकेट सिंड्रोम, मिड लाइफ नहीं, एम्पटी नेस नहीं, आइडेंटिटी क्राइसिस, द करेक्ट आंसर इज आइडेंटिटी क्राइसिस, क्राइसिस का मीन है इमोशनली चेंजेस या मूड चेंजेस, ठीक है, इमोशनली चेंजेस या मूड चेंजेस, ठीक है, क्राइसिस का मीन। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एडोलेसेंस द ब्रेन अंडरगोज सिग्निफाइड चेंजेस पार्टिकुलरली इन द, कौन से चेंजेस करता है ब्रेन का, कौन सा पार्ट, तो ब्रेन का कौन सा पार्ट, सेरिबेलम, सेरिबेलम क्या करता है, जो भी चेंजेस करता है उस ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है, सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्यूबर्टी, प्यूबर्टी क्या है, देन स्टेज लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट, द स्टेज लाइफ व्हेन चाइल्ड बॉडी मैच्योर इनटू द एडल्ट बॉडी, द स्टेज ऑफ लाइफ व्हेन चाइल्ड स्टार्ट गोइंग टू स्कूल, द स्टेज लाइफ व्हेन द चाइल्ड बिकम ए टीनेजर, इसमें क्या प्यूबर्टी, प्यूबर्टी क्या बोला है, चाइल्ड मैच्योर इनटू ए एडल्ट बॉडी, द करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है, राइट आंसर क्या जाएगा अपना बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्राइगलिंग प्यूबर्टी, ट्राइगलिंग प्यूबर्टी के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है प्यूबर्टी के लिए, एस्ट्रोजन, द करेक्ट आंसर इज ए एस्ट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज मिनार्ट, मिनार्ट क्या है, मिनार्ट अपने क्या बोलता है, फर्स्ट टाइम फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल,
या फर्स्ट मेंस, उसी को अपन ने क्या बोला था, मेन आर्ट होगा। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इज द मेन आर्ट, द राइट आंसर इज ए। ठीक है, व्हेन डज प्यूबर्टी टाइपली बिगिन इन गर्ल्स, प्यूबर्टी गर्ल्स में कब आती है, कौन सी एज में आती है, अराउंड 9 बिलियन ईयर्स ओल्ड। और यहाँ 12 दे दें तो 12 भी सही होगा। ठीक है, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेल्स वेयर इज टेस्टोस्टेरोन प्राइमरी प्रोड्यूस, प्रोड्यूस्ड आर टेस्टोस्टेरोन, क्या कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, टेस्ट किस से, स्पर्म, तो कौन सा क्या प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस। द राइट आंसर इज सी, टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी का क्या पर्पस है, बॉडी फॉर चाइल्ड बीरिंग, टू स्लो ग्रोथ और डेवलपमेंट, टू मेंटेन बॉडी चाइल्ड फीचर, टू डिक्रीज मेटाबॉलिज्म, क्या करेगा, मेंटेन करेगा बॉडी को चाइल्डहुड फीचर्स को। प्यूबर्टी का मीन्स है मेंटेन करेगा बॉडी को। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी सेक्सुअल एक्टिविटी इन बॉयज ड्यूरिंग एडोलेसेंस, कौन सा चेंजेस आता है, ओनली बॉयज में पूछा है इस बार, किसमें पूछा है, बॉयज में, मीनार जाता नहीं, फीमेल्स में होता, बेस्ट डेवलपमेंट फीमेल में और मेल में भी होता, मेल्स में इतना भी होता, ओवुलेशन फीमेल्स में होता, करेक्ट आंसर सी, डीपिंग ऑफ द वॉइस, डीपिंग ऑफ द वॉइस किसकी वजह से, लेरिंग, जो कैसी आवाज होती है अपनी, हॉर्स फ्लाई। ठीक है, जिसको अपन ने क्या बोला, एडम्स एप्पल, क्या बोला, एडम्स एप्पल, तीन चीज ध्यान रखना इसमें। ठीक है, इन गर्ल्स द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इज नाउ, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड को अपन ने क्या जाना था, मेनार्ट, द राइट आंसर इज सी। व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन प्ले क्रिटिकल रोल इन द रेगुलेशन ऑफ प्यूबर्टी, कौन निभाता है ब्रेन का कौन सा पार्ट, तो कौन सा पार्ट करता है प्यूबर्टी का कंट्रोल, क्या था, सेरिबेलम नहीं, हाइपोथैलेमस हो सकता है, मेडुला ऑब्लॉगेटा नहीं, कॉर्पस कैलोसम नहीं, द करेक्ट आंसर इज बी, हाइपोथैलेमस, जो क्या करता है अपनी बॉडी को भी रेगुलेट करता है और टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। एक्ने इज अ कॉमन स्किन इश्यू ड्यूरिंग एडोलेसेंस ड्यू टू द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ, कौन से हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, मेलेटोनिन नहीं है तो स्किन कलर देता है तो ये नहीं होगा, सेरोटोनिन ये भी नहीं होगा, एस्ट्रोजन मेल फीमेल दोनों में होता है, द राइट आंसर इज सीबम। ठीक है, यस, एट वॉट अप्रोक्सीमेट एज प्यूबर्टी टाइपली बिगिन इन गर्ल्स, गर्ल्स में अप्रोक्सीमेट कौन सी होती है प्यूबर्टी की, कौन सी मान लीजिए अपने 9 टू 11 ईयर, द करेक्ट आंसर इज ए। वॉट इज द टर्म ऑफ द इमोशनल एंड बिहेवियर चेंजेस अफेक्ट इन सेम एडोलेसेंस, कौन सी इमोशनल और बिहेवियर चेंज एडोलेसेंस में, ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ एडल्टहुड, एडल्टहुड में जब ट्रांजिशन होता है, मिडलाइफ क्राइसिस नहीं, आइडेंटिटी क्राइसिस, एम्बर्टीनेस क्राइसिस या मेनोपॉज, कौन सा होगा, मैंने चारों गलत बताया तो कौन सा होगा, क्या पूछा इसने, एडोलेसेंस ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, कौन सा ट्रांजिशन होता है, तो द राइट आंसर इज आइडेंटिटी क्राइसिस, अपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, द करेक्ट आंसर इज बी, आइडेंटिटी क्राइसिस। तो आज की क्लास अपनी ही कंप्लीट होती है, अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, तो अपन नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे नए चैप्टर के साथ। उससे पहले मैं बता दूं आपका बेगस अकेडमी में परिवार 1 जुलाई से ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट कर चुका है, अगर अभी तक भी किसी स्टूडेंट ने हमारी ऑनलाइन क्लासेज को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारी ऑनलाइन क्लासेज को ज्वाइन करें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए। अब अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, थैंक यू सो मच। Sainik School and Military School's offline and online courses are available at minimal cost. Jai Hind!